देखिए आपको बाजीगर में देखा, इतनी सारी मूवीज में देखा, आपने इतना बढ़िया काम किया है। आई एक्चुअली रियली फील वेरी थैंकफुल फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की हम इनकी क्रिएटिविटी से ही सब कुछ होता है। एंड बस अगर जी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टेज पर ऑलरेडी नितेश बुराट जी है, आप प्लीज उन्हें फेलिसिटेट करिए। अरे म्यूजिक मत बजा। वेलकम टू सॉरी कंग्रेचुलेशन आप तीनों को कि आज के प्रथा जो आपके वेब सीरीज है रेड नाइन मूवी है इनके लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या प्लेटफॉर्म है उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, कितना एक्साइटमेंट इस शो के लिए? And yeah, I want to thank my director and producer. They cast me, so thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है ना, उस वक्त कैसा अच्छा लगता है कि कुछ हो तो आज कमाल का लग रहा है। और I'm very happy कि इतने अच्छे वेब सीरीज का पार्ट बनने का मौका मिला और सर लोग डायरेक्टर्स कमाल के थे, सारे स्टार कास्ट अमेजिंग, जो लड़की फिंगर क्रॉस हम लोग सब जाएँ सब देखें और नाइन रेट मूवीज जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। एंड आई होप कि बहुत ही कमाल की सीरीज होगी, प्रथा इज डिफरेंट वीक एंड एक दिल को झकझोर देगा, प्लीज़ देखिए। क्या स्टोरी है, क्या करेक्टर है आपका प्रथा में बताएंगे आप? इसी स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि मेरा करेक्टर मानव का है जो कि गांव में इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है और कैसे जब उसके गांव से उसकी गर्लफ्रेंड आती है साथ में और लोग कैसे मिलजुल के जो वहाँ के लोग हैं और जो प्रथा है और कुरीतियाँ हैं उनसे कैसे लड़ते हैं और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड जो ऋतु है उसकी हेल्प करते हैं। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे नाइन रेड मूवीज के लिए? जी मैं भी धन्यवाद ही करना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड द होल टीम फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ माय टैलेंट। कनक जी, शायद आप प्रथा में हैं, कुछ बताना चाहेंगे प्रथा के बारे में? राजस्थान में बहुत सारी प्रथा प्रचलित है जिसमें से ऐसी एक प्रथा है जिसमें बच्चा बचपन में पैदा होता है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में? एक्चुअली ये जो प्रथा है आई डोंट नो ये अभी भी चल रही है कि नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना ये प्रथा आज भी चलती है, तो हम समाज तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं कि आज भी चल रही है और इसे बंद किया जाए। बहुत सारी लड़की होती है जिनके खिलाफ होती है। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जो प्रथाएं चलती है, कुछ कुरूतियाँ हैं, कुछ प्रथाएं, क्या कुछ उस प्रथा को लेके बोलना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी प्रथा जो है वो एक सोसाइटी में ना रूल्स हैं जो प्रथा के अंदर दिखाए गए हैं, जो कि आप देखेंगे और देर इज़ द मुखिया एंड ही रन्स द सोसाइटी एंड देर आर दे ऑल आर पीपल दे ऑल आर लिविंग इन अ विलेज एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो पहले के टाइम पर जो अनएजुकेटेड पीपल रहे हैं वो करते हैं, उनको नहीं पता होता, पर जो कि कनक हैं जो अपना ऋतु का किरदार निभा रही हैं कि जैसे ही अपना विलेज के अंदर आती हैं तो उनको लगता है कि ये सारे अनपढ़ लोग हैं तो ये लड़ती हैं प्रथा के खिलाफ, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सर कितना एपिसोड का है, कितना एपिसोड की सीरीज है? प्रॉब्लम हो गई थी, डिले हो गया था 2 साल, इसके लिए अभी जो लास्ट 2 साल है ना उस पर इसको एकदम हमने वर्क किया, मिलकर पूरी टीम तैयार किया है, आगे 8 मिनट सुनने वाली बनाएंगे। सर ओटीटी आने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, एक्ट्रेस को हुआ है, बहुत सारे जो नए एक्टर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत कुछ है, तो किस प्रकार से इससे निपटेंगे आप? यदि हम अच्छे कंटेंट देंगे तो अपना राय बनती रहेगी, हम अपने काम तक पहुँच जाएंगे। कितने पाइपलाइन में है आपके वेब सीरीज अभी? अभी 3 है सर, एक धर्मांतरण और दूसरी राव। सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान दो जो देख रहा हूँ मैं, एक तो प्रथा, एक धर्मांतरण जो बता रहे हैं, दोनों ही थोड़ी कंट्रोवर्सी मुझे लग रही है। नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं है। पोस्टर जो है, पोस्टर मैंने धर्मांतरण का देखा है, पोस्टर सीधे कंट्रोवर्सी में लेके जाता है सर। नहीं सर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, समाज की क्या पता है उनको हमने बताया कि आधुनिक टाइम के टाइम उसमें क्या चेंज होना चाहिए वो हमने एक्सप्लेन किया है। आईना दिखा है आपको, तब आपको मालूम चलेगा कंट्रोवर्सी है या हमने एक सामाजिक जागरण का काम किया है। अच्छा सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैं। वर्षों से कोई प्रथा चली आ रही है, लोग उसे मान रहे हैं, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं,
तो ऐसा डर लगता है कभी वो फोन ऑन करके धमकी दे या फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो मारने तक आ जाते हैं सर? हम किसी को समय के हिसाब से उसमें हम बदलाव चाह रहे हैं, विरोध नहीं है, बदलाव किसी चीज का विरोध नहीं है, हम ना किसी समाज के विरोध में जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा ना परिवर्तन संसार का नियम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले वेलकम टू टीवी से बॉलीवुड। जिस तरह की आपको वेब सीरीज आने वाला है, बल्कि आज से ही रिलीज हो गया है परथा, कुछ अपने बारे में बताइए, फिर परथा के बारे में बताइए। मतलब कितना एक्साइटमेंट है, किस तरह आपको एक काम मिला जो आप कर रहे हो परथा, कैसे आपको काम मिला दोनों? जी मैंने एक ऑडिशन दिया था, स्टार्ट में तो उन्होंने कहा था कि नहीं यू आर नॉट सेलेक्टेड, एंड उसके बाद फिर उन्होंने कॉल आया सेलेक्टेड, अच्छा था। एंड उसके बाद फिर कास्टिंग में वर्कशॉप हुए एंड डायरेक्टर से मिले सारे जो स्टार्ट में हमारे शुरुआती जो शॉर्ट्स थे उसमें तो शायद थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन बाद में जैसे कंफर्टेबल हुए बहुत अच्छा। शो में क्या स्टोरी अच्छा लगा या नाइन रेड जो मूवी है वो अच्छा लगा आपको, जो किस देख के आपने काम किया आपने? मेरी स्टोरी अच्छी लगी, नाइन रेड मूवीज तो बाद में हमें मालूम चला कि इसके आ रही थी, स्टोरी कमाल की थी और यूनिक स्टोरी थी, जैसे कि मैंने सुना मुझे लगा कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। आपको बताओ आप क्या देख करके आपने वेब सीरीज किया, आपने की बहुत सारे कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो कैसे आपने की स्टोरी देख करके या करेक्टर देख के या एक्ट्री देख करके या नया टीम देख के? एक्चुअली आई एम द गर्ल जिसे ना फाइटिंग कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, जिसे अच्छा लगता है कि किसी से पंगे लेना, बहुत अच्छा लगता है जब आप एक ऐसा कैरेक्टर निभाओ जिसमें आपका रोल एक स्ट्रॉन्ग वूमेन की तरह आगे बढ़ो। तो मैंने ना इस कहानी को देखा जब मैं फर्स्ट की ऑडिशन देने आई थी, एंड कहानी मुझे इतनी पसंद आई थी कि शायद मैं रो भी दिखी सीन पढ़ के, तो ये कहानी दिल को छू गई थी। यूथ के क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों देखें आपका वेब सीरीज? यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो पुराने रीति रिवाज है और जो हम गलत और तकिया दूसरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कई बार, तो उससे ना हो और जो अपना विवेक है जो कॉलेज है और जो सही राह है उसको अपनाएं, गलत जो गलत रास्ते हैं उस पर ना जाए। और बाकी तो जैसे मुझे जो प्रथा बनाई है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और एक मैसेज भी दिया है कि जो मैसेज है कि जो पुरानी चीज़ है उससे लोगों को नुकसान हो उसमें ना जाए, अपने बुद्धि विवेक से काम है। ये वेब सीरीज फैमिली देख सकते हैं साथ में या फैमिली के साथ देखने वाला नहीं है वेब सीरीज? नहीं, ये वेब सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, इसमें एक एज लिमिट दिया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो प्रथा को खुल के दिखाया गया कि इस प्रथा में होता क्या, तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि क्या क्या लड़कियाँ फेस करके और कैसे कैसे हिम्मत करके वो एक बार बोल पाती है और उसमें भी लोग उसका मुंह बंद कर फिर भी वो बोल रही है तो बहुत बड़ी बात है। मिसाल आप लड़की के बात किए, कुछ चीज़ हिट होने में स्टूडेंट कॉलेज के बॉय स्कूल में काफ़ी योगदान रहता है, तो आप गर्ल्स जो कॉलेज में पढ़े इसके लिए क्या आप विशेष क्या चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि एक लड़की को जितनी छूट दी जाती है ना, एक लड़की को भी उतनी मिले, एक लड़की को एक बोल दिया जाता है कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई एहसान हो गया उसको, लेकिन उसको बताओ कि तुमसे ही तुमसे ही तुम सब मिल बांट के रह के आगे बढ़ेंगे ना, तो कोई लड़का कोई लड़की एक थैंक यू रेडी। माय नेम इज प्रसून आर्या एंड यू आर वाचिंग टीवी से बॉलीवुड तक। हाय माय नेम इज कनक सूर्यवंशी एंड यू आर वाचिंग ओनली ऑन टीवी से बॉलीवुड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।